आप सभी को पल दो पल विद कोमल की फैमिली की ओर से महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बस इस वक्त मेरे काम ख़त्म हो चुके हैं और मैंने पूजा भी कर ली है। सिंपल सी पूजा है, इतना कुछ खास मुझे नहीं आता है। महाशिवरात्रि के दिन कैसे होती है पूजा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कल्चर मेरे घर पे नहीं है, कि मेरे मायके में भी नहीं है और मेरे ससुराल में भी नहीं है। तो बस हम लोग जैसे होती है डेली पूजा, वही की है मैंने इस वक्त। और मैं ये विश करूँगी भोलेनाथ जी से कि जिन जिन के मन में जो जो आपकी मनोकामना है सबकी पूर्ण हो जाए, सबकी इच्छाएं पूर्ण हो जाए और सब बहुत खुश रहे, मिलके रहे, प्यार से रहे एक दूसरे के साथ। बस यही इच्छा है और यही विश मैं सबके लिए मांगती हूँ भोलेनाथ जी से। तो बस यहाँ पर मेरे काम तो ख़त्म हो चुके हैं, मैंने बच्चों को खाना भी खिला दिया है और आज दोनों बच्चों की छुट्टी भी है, हस्बैंड की नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। और आपको आपने तो देख ही लिया है मैंने खाने में सब्जी क्या बनाई है, आलू बैंगन की सब्जी बनाई है, वो भी बिल्कुल महाराष्ट्रियन स्टाइल की, तरवी वाली, खूब तीखी चटपटी सी, क्योंकि महाराष्ट्र में आलू बैंगन की सब्जी ऐसे ही बनती है, मज़ा आता है बहुत खा के। ऐसे जब तक मुँह से निकले ना ना तो तब तक मज़ा नहीं आता है, लगता नहीं कि सब्जी खाई है करके। तो थोड़ी सी तेल की मसालेदार और थोड़ी सी तीखी ज़्यादा होती है वहाँ पर सब्जियाँ, तो बस मैंने उस तरह की सब्जी बनाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा तीखा कम डाला है तब भी मैंने, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं फिर, तो बस यही है। और मीठे में कुछ नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मीठे में समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, मीठा कोई खाता ही नहीं मेरे घर पे ज़्यादा, बच्चों को भी पसंद नहीं है। अगर बच्चे चाव से खाते तो लगता है कि चलो बनाया जाए उनके लिए, लेकिन खाते नहीं है वो लोग भी। और मैं बस मीठे में बनाती हूँ तो बस दूध की और चावल की खीर बनाती हूँ, जो मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, बच्चे बिल्कुल ही नहीं पसंद करते मीठा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, मीठा नहीं बनाते हैं। और महाराष्ट्र में आज के दिन मतलब महाशिवरात्रि के दिन वो खाते हैं क्या, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, हाँ ये खाते हैं आज के दिन। कई लोगों का व्रत होता है तो आज के दिन सिर्फ वो शकरकंदी ही खाते हैं, और वहाँ पर तो शकरकंदी के पराठे भी बनाए जाते हैं, मतलब स्टफ्ड पराठे, पराठा बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। ये खाने में मैंने सिंपल सा ही खाना बनाया है आज, सब्जी रोटी चावल बस और उसके अलावा और कुछ नहीं बनाया। और हाँ, मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वक्त। आज जब मेरी मेड काम करके चली गई तो मैंने ना जहाँ पर से वो पानी लेती हैं पोछे के लिए, है ना, तो वहाँ पर ना जब मैं सफाई करने गई तो मैंने देखा कि मेरे दो पोछे के कपड़े गायब है। ये सही बात नहीं होती है ना, अगर कोई आपके घर का कोई पोछे का कपड़ा या फिर झाड़ू और आपके घर की चप्पल कोई ले जाता है तो ये अच्छा नहीं होता है, सही नहीं होता है उनके लिए। और अचानक ही आज मेरी नज़र पड़ी और वो उसने या तो कल दोपहर में किया है ये काम या तो फिर आज मॉर्निंग में, मतलब वो जब सुबह का काम करके गई है तब किया होगा, क्योंकि वो उसके पहले मैंने कल ही देखा था कि उसने वो मतलब जिस पोछे से पोछा लगाया था वही कपड़ा ही गायब है, और उसके अलावा एक और पिंक कलर का कपड़ा था वो भी गायब है। मेरे पास टोटल चार कपड़े थे पोछे के और उसने ना वो उनमें से दो कपड़े गायब किए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं सही नहीं लग रहा है। आज सुबह से मन में ना बेचैनी सी हो रही है कि जब से देख रहा है मैंने कि कपड़े गायब है पोछे के, सही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। आप मुझे बताइएगा कि आपकी तरफ क्या मानते हैं इन सब बातों को, क्योंकि मैंने कुछ सुना है कि अच्छा नहीं होता है आपके घर से ऐसी कोई चीज़ें लेकर जाते, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि आपके घर पोछे का कपड़ा और झाड़ू आपके घर की गंदगी साफ करते हैं, तो मतलब ज़्यादातर मानते हैं। जो भी अच्छा नहीं लग रहा है, सुबह से ही मन में बेचैनी सी हो रही है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर किया जाए। अभी दोपहर में शायद वो आएगी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि पक्का नहीं है, वो कह रही थी कि आज हो सकता है नहीं आऊँ दोपहर में, तो अगर वो आती है तो मैं तो उसे पूछूँगी कि लेके गई है क्या। लेकिन मेरे घर पे सिर्फ वो बाहर से आने वाली मेड ही है, उसके अलावा और कोई आता जाता नहीं है। उसके अलावा मेरे पास मेड नहीं थी, लेकिन काम बढ़ गया और उसके बाद बच्चों की स्कूल भी थी, छोटे का काव्यान का ऑनलाइन क्लास और बड़े का स्कूल, ये सब मैनेज करना और साथ ही साथ अपने वीडियोस का काम भी करना है, तो मुझसे इतना सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने जब जनवरी से ही मैंने अपने घर पे मेड लगवा ली है, आपने मेरी अगर दिसंबर की प्लेलिस्ट देखी होगी तो उसके बाद मैं जब गांव से आ गई थी तो मैंने जनवरी में ही अपने मेड लगवा ली है, और बस अब उससे ही काम कराती हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है और थोड़ा सा आराम भी हो जाता है मुझे खुद। मैं आपसे एक और बात कहना चाहती थी, आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच नहीं कर रहे हो, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच किया कीजिए और फुल वॉच किया कीजिए, तो अच्छा लगता है कि चलो आपने, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इतना सब काम करने के बाद
वीडियो शूट करना होता है, उसको एडिट करना होता है, उसके बाद काफ़ी टाइम लग जाता है और बस दिमाग में यही चलता है कि कितने व्यूज़ आए होंगे कितने व्यूज़। तो बहुत जब देखती हूँ खोल खोल के अपना चैनल तो बहुत कम व्यूज़ दिखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वॉच कीजिए, उस पर लाइक कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए वीडियोज़ पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं मेरी जो डेली रूटीन की सिंपल सी लाइफ है वो आपके साथ रिलेट कर पाती हूँ। तो मैं ऐसे ही हूँ तो मैं वैसे ही दिखा रही हूँ सिंपल सी लाइफस्टाइल अपनी। और बस इसके अलावा मेरे पास मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है मुझे। और इस वक्त मेरे दोनों बच्चे बैठे हैं आराम से, चलो दिखा आपको उनसे। तो इस वक्त यहाँ पर देखिए स्वरित भी टीवी देख रहा है कि हाय स्वरित, हाय। आज स्वरित को छुट्टी है तो बहुत मज़े कर रहा है सुबह से। और देखिए काव्यान इस तरफ बैठा है अपना कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर देख रहा है। देखिए हाय काव्यान, बोल हाय, किसे हो आप सर? किसे हो? काव्यान को भी मैंने टीका लगा दिया है, स्वरित को भी लगा दिया है, कितने क्यूट लग रहे हैं ना आज दोनों मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और बस अभी दो तीन मिनट में वीडियो का एंड करती हूँ मैं, और आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक किए कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चलो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, फिर से बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। देखा कीजिए मेरे व्लॉग्स और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, है ना। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।